एक सल्तनत, सल्तनत का बादशाह बाहर इवनिंग वॉक करने के बाद अपने दरबार की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसको एक दरबार नजर आया। शदीद सर्दी का मौसम था, उसने पतले कपड़े पहन रखे थे। बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बस अभी दरबार के अंदर जाऊंगा और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजूंगा। बादशाह सलामत दरबार के अंदर दाखिल हुए, वहां की गर्म हवाएं उनसे टकराई, किसी की परेशानी भूल गए। रात गुजर गई। सुबह सुबह जब बादशाह सलामत दरबार से बाहर निकले मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो दरबान की लाश अकड़ी पड़ी है। उस दरबान ने अपनी लाश के करीब उस मिट्टी के छोटे से अहाते पे, जहां उंगली से लिख देने की इजाजत थी, एक नोट लिखा कि बादशाह सलामत, पिछले 35 साल से मैं आपके दरबार के बाहर दरबान की नौकरी कर रहा हूं। पिछले साल इससे दुगनी सर्दी पड़ी थी और मैं इन्हीं पतले से कपड़ों में था, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज शायद मैं मर जाऊं, और जानते हैं मुझे किसने मारा है? आपकी दी हुई झूठी उम्मीद ने। झूठी उम्मीदें कुछ लोगों की मौत की जिम्मेदारी भी बनती है। मत दें किसी को उम्मीद, और अगर दे रहे हैं तो फिर इस उम्मीद पर खड़े रहिए। और वो लोग जो झूठे सहारे बनते हैं, झूठी उम्मीदें बनते हैं, आपसे आपका अपना आप छीन कर ले जाते हैं। उन झूठे सहारों को दूर फेंकिए। अल्लाह ताला ने आपको खुद बहुत ताकत दी है, अपना ख्याल खुद रखिए। मजाक रात में, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से ले जाया जाए। मेरी टीम को क्या हो गया, इतने अच्छे कपड़े कहां से आ रहे हैं इनके पास, मुझे समझ नहीं आ रही। तालियां इनके लिए। ये बात, वैसे ये जो उम्मीद पे लोग रखते ना, उम्मीद लगा देते किसी को, फिर वो पूरी नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात। अकरम भाई ने सारी जिंदगी जाया कर दी, किसी ने उम्मीद लगाई थी कि मैं तेनू वाल लुआ देंगा। अच्छा, इस उम्मीद से जो दो दिन रह गए सन, उन्होंने वो भी पुट लाए सन। चलो मेरे तो उम्मीद च पुटे गए, तेरे यारी दोस्ती च जान गए। इस तरह जी, एक मर्तबा सर्दी फुल थी, हलवा पूरियों का मौसम था, गुड लक मेरी वो दुल्हा मेरा कजन भी था, याद है मुझे वो फनकारों की दावत थी, जहां पे मैंने बेचरगा काफी रगड़ा था, वहां फिरनी भी थी और शाबा, वहां रहता भी था और शाबा, वहां फिरनी थी और रहता था, मैं सोच रहा था खाऊं किस किस को, दिल में मेरे मैनू पुछया यार हो रहा ने, कहिंदा नहीं यार सर्दियां वाले ने गर्मियां वाले। जून जुलाई दियां कड़क धुप्पां, रजाई लैके सुता पे, मैं क्या तू गर्मियों रजाई ली, कहिंदा सर्दियों बच्चे लेंदे ने। इन्हें की कीता जी, लम्मियां जराबां खरीदन दिया लंडे चो। अच्छा, मैं क्या लम्मियां की करनी है, कहिंदा रजाई छोटी है ना, पैर बाहर निकल आंदे। हमारे आज के मेहमान अच्छा, ये तारुफ तो इस लड़के का है ही है,
कि सुनो चंदा मिस ने कमाल किया, मुश्क, फिर उसके बाद जाने जहां के बाद तो मुझे इतने सारे मैसेज आए कि मुझे खुशी हुई कि चलो हमारे घर का बच्चा है, इसको भी लोग देखना चाहते हैं और चाहते हैं किसी मजाकरात में बुलाया जाए। एक्टर है और डायरेक्टर भी है, वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग। वेलकम रजा तालेश। तारीफों का पुल बांध दिया, बड़ी मुश्किल से चल के आए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए रजा साहब। रजा साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से। और ये देखें तो सही कैसे सब तैयार होके आए हैं, अपने लिए भी ताली बजा देना इनकी तरफ से। और बाकी सारे रिश्ते और बातें तो अलग हैं तुम्हारे चाचे की तरफ से। वेलकम टू मजाकरा। वेलकम टू मजाकरा। हां जी, आज पता लगा चाचे भी बन गए हो। हां जी भाई, तुसी कल ही दादे हो। वेलकम टू मजाकरा। माशाल्लाह आपको बहुत हैंडसम है, फेस टू फेस ज्यादा है, मतलब टीवी पे तो लगते ही हैं। तो आपसे काफी लोगों को चाहत हुई होगी, तो उस चाहत की नजर एक शेयर करूंगा कि ऐ मेरे दोस्त, ये किसकी चाहत है? मेनू नहीं पता, कसम नहीं। ए मेरे दोस्त, ये किसकी चाहत है और ये चाहत भी क्या मुसीबत है। अरे अरे, ए मेरे दोस्त, ये किसकी चाहत है और ये चाहत भी क्या मुसीबत है। खुदकुशी के कई तरीके हैं, खुदकुशी के कई तरीके हैं, सबसे पहला मगर मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारक दूंगा कि आप बहुत फिट हो चुके हैं। आपने जो अपना इजाफी सारा वजन था, वो मैंने जिम में आपको पिछले एक साल में जिस तरह मेहनत करते हुए देखा है, उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अ स्लीक बॉय। दूसरा, मैं आपको और आपके दोस्त अहमद को, वो भी जिम में ही होता है, उसको भी बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने जो एक सिलसिला शुरू किया है खूबसूरत वीडियोस का, जो आपकी इंस्टाग्राम पे चल रही है, और वो बहुत दिलेरी का फैसला है कि आप जैसा एक्टर जो अब मेन स्ट्रीम पर टेलीविजन पर काम कर रहा है, फिर भी वो उसने अपने अंदर का जो बचपन है उसे मरने नहीं दिया, और आप दोनों बहुत प्यारी वीडियोज बना रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच। बहुत से ड्रामे किए आपने, कितने किए? बहुत सारे नहीं किए। कितने? पांच छे। पांच छे। उम्र कितनी है? 22 से थोड़ा सा ऊपर। 22 से थोड़ा, पांच छे बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहला ड्रामा कौन से साल में किया? तू भी बेचे समोसे बेचने। बालों के नाल याददाश्त भी चली जाती है। रजा, कब ऐसा लगा कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूं मुझे उसकी तालीम हासिल करनी चाहिए? सारे दोस्त यार ना पढ़ने जा रहे थे बाहर, कोई यूके जा रहा था, कोई अमेरिका जा रहा था। तब एक रियलाइजेशन हुई कि यार अच्छा, क्योंकि मैंने काम करना है इस फील्ड में, इस जबान से ताल्लुक रखना है, तो मैं तो नहीं जा सकता कहीं बाहर पढ़ने, तो उस मिट्टी के साथ ही रहना है, इस मिट्टी से ही सीखना है। क्या बात। तो फैसला किया कि अच्छा हाँ, जो भी एजुकेशन लेनी है वो इस ज़मीन के ताल्लुक से ही लेनी है। तो फिर मैंने फैसला किया, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया पढ़ने के लिए, और 2014 से 2018 तक NCA से मैंने ग्रेजुएट किया। तो उधर तो तालीम की बजाय थोड़ी वेलियां ही मारी। सेम टू मी। तो वहाँ से निकल के असिस्टेंट डायरेक्टर बने सबसे पहले। टिच बटन के? टिच बटन बाद में की, पहले मैंने तकरीबन 20-25 एड्स किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर उसमें भी रियलाइजेशन हुई कि यार अच्छा, क्योंकि नैरेटिव से ज़्यादा रुझान है, तो कोई ऐसा काम में असिस्ट किया जाए जहाँ पे प्रॉपर नैरेटिव पे फोकस हो, क्योंकि
टेलीविजन कमर्शियल्स में उस तरह से फोकस नैरेटिव पे नहीं होता, प्रोडक्ट पे होता है, प्रोडक्ट पे होता है। तो उस प्रोसेस में रियलाइजेशन हुई कि अच्छा नहीं, अब अपने आप को नैरेटिव से जोड़ के ही रखना है। तो टिच बटन पे छलांग मारी। सुनो चंदा का सीजन वन बन चुका था तो वो एक ज़रा ब्रांड बन गया था। उसके दौरान मुझे ऑफर मिली कि अच्छा यार आई कैन डू दिस प्रोजेक्ट। तो टिच बटन का सफ़र समझे मुकम्मल मैं नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज उस फिल्म के फर्स्ट स्पेल के बाद सुनो चंदा की सीजन टू की शूटिंग शुरू हो गई। अच्छा। और वो एक कंटिन्यूस ऐसा स्पेल था कि वो ड्रामा शूट भी हो रहा था और ऑन एयर भी था, और मैं बिकॉज न्यू कमर था एज एन एक्टर, तो मेरी वजह से तो डेटे नहीं हो सकती ना चेंज। अब सुनो चंदा की बात हो रही है अगर रजा भाई, तो सुनो चंदा में आपका किरदार बहुत पसंद किया गया और आपके साथ जो आपकी हीरोइन थी सबीना, बिल्कुल, जो कि आजकल माशाल्लाह अल्लाह का उन पे बहुत करम है, क्या बात। आप दोनों का कोई ऐसा डायलॉग या आपका उसके साथ कोई ऐसा सीन था जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया? एक मैंने उसमें शायरी पढ़ी थी, बड़ी सिंपल सी। सिंपल थी, इधर नहीं पढ़नी, वो सामने आपका कैमरा है, प्लीज उस आप समझे कि ये चंदा है आपकी। अब चंदा नहीं है, फंदा है पाए। इसी पे तो गाना बना है, बंदा है पर गंजा है ये। अच्छा जी, वो शेर था कि नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूं, मुझे मैना पसंद है। आए, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना शो। कहते हैं तो आपको वसीयत भी लिख के दे देते हैं, जिसे बड़े प्यार से कहते हैं मजाकरा, देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाकरा। आगा तालिश साहब, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर आगा तालिश साहब, प्लीज 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 आगा सिट, बैठिए आगा। क्या बात? तालिश साहब जिस बच्चे के दादा हो, जिसके वालिद साहब पाकिस्तान के टॉप नॉच डायरेक्टर्स में से हो, उस लड़के को मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो इस फैमिली से ताल्लुक रखता है। अच्छा, एक आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दुनिया की वजह से जी। हाँ। जो लोग आपसे चले, कोई दुश्मनी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब एक तरफ है, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके। एक मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ता है आपको अपने घर वालों की वजह से भी। हाँ, हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब मेरे घर में चूंकि इतने बड़े नाम रह चुके हैं और हैं भी, अब समझें कि वो एक बहुत बड़ा दरख्त है, मैं हूँ एक छोटा सा पौधा। आप एक पौधे को लगा देंगे दरख्त के नीचे अगर, तो उसको धूप तो लगेगी नहीं। आए आए आए, समझ रहे हैं? तो ये मुश्किलात का सामना करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उस साय में रहूँगा तो मुझे धूप नहीं लगेगी कभी, तो कभी ग्रोथ ही नहीं है उसके अंदर। तो आई टेक दीज चैलेंजेस, कि यही मेरी जर्नी का पार्ट है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के लड़कियां जिनके खानदान में पहले लोग हैं, उनके लिए सारी की सारी आसानियां नहीं होती, वो भी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, अपना सफर तय कर रहे होते हैं। तो हम आपकी मुश्किल का हमें अंदाजा है, हम सिर्फ आपकी आसानी की तरफ नहीं देखते। रजा आगा तालिश साहब, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है भाईजान, वो कोई भी फनकार उनके बारे में जब सोचेगा तो उसके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। इतना बड़ा नाम था, इतना ज्यादा उन्होंने काम किया और उनके फैन बड़े बड़े देखे मैंने, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी दे। और आगा जी तो हमारी पहचान है, अल्लाह ताला उनका आगे वाला सफर आसान करे, अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए रखे। कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? तीरानी। एक में फरंगी बने हैं किसी में। तीरानी आप दोनों ने देखी है? हाँ जी, हाँ जी। आप दोनों मुझे तीरानी का कोई करेक्टर दोनों परफॉर्म करते हैं। चलो जी, तालियां। आज ताड़ी वजह तो असी फस गए। आगा जी अपने ना मतलब बेटी को देख के आए हैं, वो ससुराल में खुश नहीं है, बहुत दुखी है, और गाड़ी में बैठे हुए बस में
अब सोच उधर ही उनकी फंसी है कि बेटी के नसीब अल्लाह ताला क्यों अच्छे नहीं बना। ये किराया पड़ा ना ये कनेक्टर है। अच्छा ये आके पूछेगा कि बाबा जी उतरो केड़ी सोचा जो गुम। मैं देखी है तुम चलो जितो मैं करनी उतो शायद तू ना देखी हो। हाँ जी हाँ जी चलो ये बैग ने बना ली गाड़ी है भाई। हाँ जी हाँ जी एक्शन काका उतरने तो उतर जा राज नहीं खलोनी। ਭਾਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਜੀ ਕਿਹੋ ਲਗਾ ਆਪਕੋ ਸਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਸ ਆਗਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਕੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਉਹ ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਗਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ रजा भाई मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? क्या करने की चीज है बोलने की चीज नहीं है जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए देर नहीं लगानी चाहिए। अच्छा और जिससे हो जाए फिर उसके हो जाना चाहिए फिर हो जाना चाहिए ये कहना चाहते हैं तो आपने जिंदगी में एक ही मोहब्बत की कितनी बार बुलाने की कोशिश करें समझ नहीं आता तो रजा ने अब मोहब्बत की बात कर ही दी है और भुलाने की नाकाम कोशिश की बात भी कर दी है मैं चाहूंगा कि आप रजा साहब को कुछ डेडिकेट करें अपनी खुद मोहब्बत बुरी है बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं किए जा रहे ये है जहर मीठा ये मीठा जहर है कहे जा रहे हैं पिए जा रहे रजा नेक्स्ट कैसा कैरेक्टर करना चाहेंगे आप आशिक का रोल करना चाहेंगे ओके रांझा टाइप या मिर्जा टाइप रांझा टाइप रांझे का रोल करना चाहते हैं अगर आपको इस तरह की हीर प्रोवाइड कर दी जाए नहीं फिर मैं भांजे का रोल कर सकता नहीं मंजली बजानी आंदी तन एक ही है इना जो हीर केड़ी जे अच्छा आशिक का कैरेक्टर करना चाहते हैं हीरोइन तो बताई नहीं आपने आपके साथ करेंगे ना आपने आयशा का ये रोल ऑफर किस बिना पे किया मैं बड़े एपिसोड्स देखे हैं मैंने आपके अब हमें इंतजार है कि आप कब आती हैं आपको ऐसा लगता है कि आयशा हीरोइन बन सकती है बिल्कुल लगता है सर क्या कहते हैं आप डायरेक्टर हैं ये कितनी बड़ी हीरोइन बन सकती है ये 60 साल की बन सकती है ना नहीं फॉरएवर 16 आप में है आप हमेशा इस तरह लग सकती हैं थैंक यू माशाल्लाह जिन्ने तुसी खूबसूरत हो अल्लाह नजरे बात तो बचाए बिल्कुल स्मार्ट जे हो जी
कभी किसी शादी तक गए होवो तो मार्की के बाहर ही बंद ने कहा हो भाई लेडीज इस साइड इन्हू अक्सर रोक लेंगे भाजी गंजे इधर बैठे क्या है आज हक बनता है भाजन प्लीज आज थोड़ी मेहरबानी क्योंकि जो जी परसनैलिटी आई है ना उन्होंने मिलना चाहिए Ladies and gentlemen, very handsome, very talented, my brother, my nephew, Brother Talish is here, the mic spot and stage value. कुछ मौके की मुनासिबत से सुनाते हैं बिल्कुल सखावत भाई हालात खराब चल रहे थे उनके इधर अच्छा ओह रेडी लगा ली उन्होंने हैं ओह अच्छा तो कहते हैं कि बनैन लैन जाते हो बनैन लैके आते हो बनैन लैन जाते हो बनैन लैके आते हो आते पैदी नहीं पै जाए लै जाए दूजी बारी पान जोगी रही बनैन मैं जाऊंगा अच्छा पाओगे तो पै जाए लाओगे तो लै जाए लाओगे तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए बनैन मेरी वधिया बनैन मेरी टाप दी बनैन मेरी वधिया बनैन मेरी टाप दी वड्डे अनु पूरी आंदी निक्के आंदे नाप क्या बात चीज होवे असली ते मुंह पई बोल दी चीज होवे असली ते मुंह पई बोल दी धुप नालो गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी आए क्या बात क्या बात धुप नालो गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी जिन्नी वारी चाहो तुसी इस नूं हंडा लो जिन्नी वारी चाहो तुसी इस नूं हंडा लो फिर पावे बच्चियां दी जांगियां यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं रजा तालिश और आप लोग देख रहे हैं क्या मुज़ाकरा आई वेट रजा भाई जाने जहां अभी अभी खत्म हुआ बड़ी पजीराई मिली आपके किरदार को भी बहुत पजीराई मिली कैसा रहा रिस्पांस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमजा भाई बड़े हमारे पसंदीदा एक्टर हैं हमजा अली अब्बासी साहब एक रिस्पांस हट के एक बात करना चाहता हूँ बहुत सारे सीन्स थे मेरे उन सारे ड्रामे में तो मैंने पहली बार किसी ऐसे अदाकार के साथ काम किया जो इस स्टैचर का ऑलरेडी है मैंने उनके साथ बहुत सीन्स शेयर किए तो वो इतनी स्पेस देते थे आपको सीन के अंदर कि लोग आपको कमेंट्स में याद रखते थे और आपको रिस्पॉन्ड करते थे कि अच्छा वरना यूजुअली होता है कि वो अदाकार इतनी जगह ले जाता है कि आप दिखते ही नहीं हो तो उस बंदे की खासियत है कि वो आपको जगह देता है इतनी कि आप निकल के आते क्या हैं बात है हमजा साहब क्या बात है आरजा मेरे हमनशी थाम ले मुझे थाम ले मुझे थाम ले सर आपका ही नहीं पूरे घराने का फैन हूं मैं सर आप तू वेला और तू की करना है यार फैसल साहब दी गल सुनो कोई अच्छी गल लेके आए हुन मेरी बातें होती ही अच्छी है सारियां लाइए तेनु लग पता जाएगा हम ख्वाबों में रहते हैं वाह तो जाके फिर अगर दो दड़ा पैसे लेना है यार इन्हें ना तुम्हारी कदर नहीं की और ना ही मैनू है अच्छा सुनाओ सुनाओ हम ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं उंज तनु रहन भी कोई नहीं देंदे और कैसा बदनसीब ख्वाब च रहन दा भी किराया देंदा हम ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं तुसी ते पहले फैसलाबाद नहीं थी रहंदे इहो जिहा मुंह ख्वाब च आए ना बंदा लाइट बाल के सौंदा है फैसल तो एक दिन अपने ख्वाब चाप आ गया अच्छा तो सुबह उठ के सिरी सुटन चला गया हम ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं इस हद तक के जागती आंखों से भी ख्वाब देखते हैं ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं बुरी बात यह है कि हम उन ख्वाबों की ताबीर की कोशिश नहीं करते मेहनत नहीं करते और यूं जिंदगी हमें बुरा ख्वाब लगने लगती है आखिर क्यों
हमको मेहनत करनी चाहिए। इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है सर, ये लाजमी सुनिएगा जी। बहुत अच्छा यार है शेर सी, क्या बात है। इस शेर की पहली लाइन है, दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन है। शेर नस्ली है तेरा। एक बेच इन्हों की भी लाइन है। ये मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं हो सकती। वाह, ये मेरे ख्वाब की जापानी फल तो टेप की थी होती सर, ख्वाब सच्चे होने चाहिए सर। ये मेरे तकबीर की ख्वाब नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं हो सकती। वक्त के पांव में जंजीर नहीं हो सकती। इस जमाने को नई राह दिखानी है मुझे, अब कहीं कोई भी तखीर नहीं हो सकती। ख्वाबों को हकीकत बना, तुझ में क्या है कमी। ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी। आगा साहब देख रहे हो, बहुत अच्छा शेर थी फैसल साहब। क्या बात, पंजाबी का शेर मैं भी सुनावा तुहानू। नहीं नहीं, रहन दियो रहन दियो। नवा शायर जी रफीक गंजेलवी। इरशाद रोमन दा कोई चज नहीं हुंदा, ते हसन दा कोई पज नहीं हुंदा, ते एक धी कोलों चुन्नी खो के, एक धी कोलों चुन्नी खो के दूजी दा सिर कज नहीं हुंदा। सिर कज नहीं हुंदा, इहनू जिन्नी मर्जी रोटी खवा लो, इहदा रज नहीं हुंदा। माशाल्लाह, आप माशाल्लाह 22 साल के हैं सर? 22 में 8 लगा दे और 30 जी। माशाल्लाह मेरे तो 6 साल वड्डे हो तुसी। 6 साल कित्थों वड्डे, तैनूं ते फौत होए 8 साल हो गए। आपके दादा माशाल्लाह बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े एक्टर भी थे। मेरे भी दादा बहुत बड़े थे, 8 भैन भरा सी, सब तो बड़े ओही सन। बहुत बड़े थे। बड़े थे, लेकिन इन्हां दे खानदान च सब तो नलायक बुजुर्ग ओही होए। उस तो बाद फिर 400 किलो जबान ते चीनी रख के फिरी जान। मैं क्या की कहंदे, अंदर यार कीड़ी लंघ गई है ते वो बाहर आ जाऊगी। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਫਸੂਰਤ ਹੀ ਸਨ। ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜੇਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਏਟੀਐਮ ਚ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ 2 ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਏਟੀਐਮ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕਢਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲਾ ਲੈ। ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਫੈਜ਼ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ।
और जो तो देन लगे उन्होंने तो घंटा पहले उन्होंने घड़ी चौके निकल गया। सखावत साहब एक बंदा कहता अपने मुर्शिदा खुश रखे कर उन्होंने बुल वढ़ दिते हैं जी फ्री जाना कर जी। लहू का हुनर आजमाते रहेंगे सर, ये आपके लिए सर, आपके हुनर के लिए। लहू का हुनर आजमाते रहेंगे, चिराग आंधियों में जलाते रहेंगे, समा हो खुशी का या हो गम का मौसम, हम अपना फसाना सुनाते रहेंगे, ये किस डगर में चल पड़े हैं हम, ची पटाख दम दम, ची पटाख दम दम, ची पटाख दम दम, ची पटाख दम दम, ची पटाख दम दम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताओ? सोहा। करती क्या हो आप? जॉब। क्या जॉब? टीचिंग। अरे आप मिस हैं? जी। क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं आप? किस क्लास के बच्चों को? 4। माशाल्लाह, आप तो, आपको तो सलूट है हमारी तरफ से। थैंक यू सर। क्या कहना चाहती हैं? शेर जी सुनाइए प्लीज। इस तरह से नाजमाओ मुझे, इस तरह से नाजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, हाय 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 हाय, एन मुमकिन है कि मैं पलट आऊं, उसकी आवाज में बुलाओ मुझे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आई हैं, पता लग रहा है कि आपको ये शो पसंद है और आप दिल से तैयार होके आई हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है? मुजम्मिल। मजा आ रहा है जिंदगी का? जी। क्यों आ रहा है? ऐसी वैसे ही। जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आता है? खेलने का। क्या खेलने का? पकड़न पकड़ाई। हॉबी क्या है आपकी? ऑफिसर। ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर? सर सर, क्या बात है बेटा, आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? नूर मोहम्मद। क्या करते हैं? मेरा जी अपना प्रॉपर्टी का काम है। क्या कहना चाहते हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको रूबरू देख रहा हूँ। अरे मेरी खुश नसीबी है। क्या बात। और रजा तालिश साहब बहुत बड़े एक्टर हैं। ओए, ओए, ओए। और इनके बाप दादा का बड़ा बहुत बड़ा नाम है जी, तो मैं बहुत बड़ा एजाज समझता हूँ इनके सामने और आपके सामने। तो फिर जप्पी डाले ना दोनों जावेद ने। अगर जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम पेश करना चाहता हूँ। सुनाइए। जान पवे ना जान, जान पवे ना जान, के लिए है, आपके लिए है, ऐनी शक्ति दे वेड़े में बड़े आया, गो इश्क ने मेरी रसाई लुट ले, मैं गया सा इश्क कोलो दात लैवण, अगो इश्क ने मेरी दनाई लुट ले, इश्क लुटदा वलिया पैगंबरानू के
ਗਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਲੁੱਟਿਆ ਬੁਲਿਆ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲੁੱਟ थैंक यू आपका बहुत बहुत क्या खूबसूरत आवाज थी यार, क्या खूबसूरत कलाम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन क्यों डे हो? बहुत बड़ी खुशी है आपसे मिलके। अच्छा, मतलब के शो आपका जो ना देखती होती मैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा लगता है शो। तीन के तीन एपिसोड हर हफ्ते देखती है? हाँ देखती हूँ। और अभी तक मजाक रात का सबसे अच्छा शो फेवरेट आपको कौन सा लगा, किस गेस्ट का? मुझे सबसे अच्छा जब अकरम राही आए थे। ओए, ओए। सरदार कमाल साहब के लिए दुआ कीजिएगा जिहड़े इत्थे साडे नाल हुंदे सी। हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अल्लाह कुछ और कहना चाहते हो? नहीं बस ठीक है। चूड़ियां कितों लईयां तुसीं, दिखाओ जरा। ऐ सोने दियां ने? नहीं दूसरी लाव। लेकिन देखो ना, अल्लाह ताला ने कुछ पर्सनैलिटीज ऐसियां बनाईयां हुंदियां ने, वो सोना भी पा लैन तो सोना नहीं लगता। अकरम नूं मैं सोना पाया, डाकू वेख के छड़ गए। सोना नहीं पाया पर सोना लग रहा, लग रहा है। इमरान भाई वाकई कोई पर्सनैलिटी होती है जिसको बंदा देख के ना यकीन कर लेता है। अकरम उदास माशाल्लाह, मेरे अर्गा मुंह ये छाबे च सोना लेके जा रहे थे, डाकू कहते लांघो छेती जा। उन्होंने आवाज मार के गया, भाजी सोना जे कसमे असल जे, कहते चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा कितना प्यारा नाम है। आयशा क्या करती हैं आप? आई एम अ टीचर। ओ वाओ, क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये एक सवाल आपसे था और एक सर से। जी जी पूछिए। मैंने जब कोई ड्रामा सेलेक्ट करना होता ना, तो चूंकि टाइम कम होता है तो उसमें सिलेक्शन होती है कि, लेकिन जब आपका ड्रामा होता है ना उसमें सिलेक्शन नहीं होती। अरे क्या बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे आपका आया था चौधरी एंड सन्स और बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू। उसके बाद रक्से बिस्मिल आया, वो उसका कुछ सीन ऐसे थे जो देख के दोबारा देखे। अरे वाह, क्या बात है। क्वेश्चन ये था कि आपको कॉमेडी करने का ज्यादा मजा आता है या सीरियस रोल? अगर बात चौधरी एंड सन्स की जाए तो उसका तो सारा का सारा क्रेडिट डायरेक्टर का, उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह की एक्टिंग कर दो। मैंने कर दी, वो कॉमेडी थी। मैं एक्चुअली एक अंदर से इंटेंस एक्टर हूँ। कॉमेडी अगर आपने मेरी देखनी है ना, मेरी कॉमेडी, तो कुछ महीने सब्र करें। मेरी जो फिल्म आ रही है ना, ये फिल्म आ उसमें मैंने खुल के कॉमेडी की। बहुत बड़ी फिल्म आ रही है। नजा जी से सवाल पूछिए। सर से मेरा सवाल है, सर आपने जितने भी ड्रामे किए हैं उसमें मैंने सुनो चंदा देखा क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसमें आपकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। आपके और भी ड्रामास देखती हूँ, लेकिन ये सवाल है कि आपको अपने किरदारों में से कौन सा किरदार अच्छा लगता है जो आपकी असल लाइफ से भी रिलेट करता हो? मेरा फेवरेट किरदार जो मैंने आज तक किया है वो इनका लिखा हुआ है, उस ड्रामे का नाम था मुश्क। तो प्लीज इमरान भाई के लिए तालियां। मुश्क देखिएगा जरूर। बाजी ड्रामे वेंदे रेंदे पढ़ांदे किहड़े टाइम? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोने मुंडिया जी? अल्लाह दा शुक्र। जवाना अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तुसी सुनाओ ठीक हो? अल्लाह दा बड़ा शुक्र। की नाम है? मलक अवैस खोखर। मलक अवैस खोखर। खोखर अन्याज बेग ठोकर। अच्छा कुछ कहना चाहते हैं सर आप? जी शेर एक पंजाबी में डेडिकेट करना चाहता हूं। अरे करे करे। तुसा रुस गए हो साडी गलती ए ऐ तोड़ मनावन आवा, महसूस ना करो ते कसम खुदा दी हथ पैरां ते लावन आवा, दियो डोल इजाजत जिंदगी दी एक गल समझावन आवा, जड़ी ये हो गई हालत अखियां दी ये तोड़ वहावन आवा। रजा साहब जनाब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और शो खत्म होने के बाद रात को
मुझे बताना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे फोन करके पूछेगी, ठीक है?